मेरी मौजूदगी इस वक्त पंजाब के फिरोजपुर में है। फिरोजपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में यहां पर लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। जो सतलज नदी से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से गांव के गांव डूब चुके हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने ऐसा पानी कभी देखा है? नहीं, 1988 में देखा था, उससे बाद आया, लेकिन थोड़ा सी अब 88 के बाद पानी है। 1988 के बाद अब आया है। कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? बहुत लोग फंसे हुए हैं। कितने लोग बचा लिए गए हैं? अभी तो चौथा ऐसा लोग भी बाहर नहीं आए हैं, सभी लोग घर में हैं। अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, बाहर कोई अरेंजमेंट नहीं है रहने का, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई घर नहीं है। तो आपका भी घर है, खेत है? हमारा भी घर यही है। अच्छा, खेत? खेत में है। अच्छा, गुलाम है। अच्छा, हाँ जी। वो भी डूबा है? सब डूबा हुआ है। ठीक है, तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए माता जी, आपका यहाँ पे घर है? पाठ दे बच्ची है, पानी दे बच्ची, पानी में है वो। हाँ जी। हाँ, तो आपको यहाँ पे लाया गया है? उथे सारा बर्बाद हो गया, दो पशु भी तन डूब गए सी, सब कुछ बर्बाद हो गया आपका। ये बच्चा साथ में? ये बच्चा मेरा भतीजी है। अच्छा, आपकी भतीजी है। हाँ जी। इतना पानी इससे पहले आपने कभी देखा है? ना, पहला नहीं है ना पानी आया जिन्हें हट किया। अच्छा, इस बार ज्यादा है। हाँ, इस वक्त जैसी स्थिति है, पानी इतना ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? कहना क्या, सरकार के डूबने पे कोना को जो, हाँ कोना को जो डूबने पे यो आखना सरकार हो रहा है, की कह सकते हैं। हाँ, आ कार्या पानी जो दाड़े पानी तारू आगन बोर्ड चलन डे करते। हाँ, ये मैडम होर की अह कह सकते हैं, सानू जिनी सहूलत सानू दो, इतने हम दो आए ने बादल से एमएल साडा गड्डिया तो नहीं थले उतरे। चलो ठीक है, तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कभी इतना पानी देखा है इस इलाके में? देखा मैडम, 1988। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान काफी हो गया मैडम, पता नहीं, नुकसान तो बहुत हो गया, ये इधर भी फसल सब खत्म हो गई, खराब हो गई सारी। आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? यहाँ से उठ गए, फिरोजपुर चले गए। अच्छा, सब चले गए। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहेंगे, जैसी स्थिति है, बोट के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है? मैम, हम डिप्टी यूनियन के आदमी कुछ इकट्ठे हुए हुए हैं, जो हमारा फिरोजपुर शहर सर्कल का प्रधान, मैं खाई सर्कल का प्रधान, जितने सर रहा है हम मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं, तैयार पर तैयार हैं, और जा भी रहे हैं अंदर, खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं। और लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है, खेती का जो लाया इतना पैसा, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को चाहिए भी जो किसी का मकान और जिमीदारों का जो झोने की फसल खराब हुई उसका मुआवजा दिया जाए। और लोगों की तो कैसे खाना आप लोग बना रहे हैं, कैसे मदद पहुंच रही है, कहाँ पे बन रहा है खाना? मैडम, वो बन रहा है खाना गुरुद्वारे में, मतलब बन रहा है उधर से, गुरुद्वारे में बन रहा है, जो वहाँ बनकर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पॉलीथीन में डाल के और किस्ती में वहाँ लोग ले जाए। कब से ये हालात है यहाँ पे? आज तो 3-4 दिन हो गए यहाँ से, ज्यादा हो गए। तो पानी का लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? पानी का लेवल आगे से ही थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ जी। तो ये पूरे खेत डूब चुके हैं, कितना समय लगेगा अभी स्थिति सामान्य होने में? कोई समझ नहीं लग रही, कम से कम 15-20 दिन। अच्छा, उसकी कुदरती ग्रोपी है, कुछ पता नहीं लग रहा क्या होगा। और अभी तो धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, अगर बारिश होगी दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बारिश होगी, रात को बारिश बहुत थी फिरोजपुर सिटी में, तो डर लग रहा था, पर फिर भी रुक गई थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ राजेश जी, हमारा DFC जी फूड सप्लाई में, उसने हमें हमारा यहाँ ड्यूटी लाई है। ये सारी हमारी ड्यूटी। आप भी ड्यूटी में लगे हुए हैं? हाँ जी मैडम। कब से हैं? मैडम कल से है। क्या कहेंगे जो हालात? मैडम हालात तो बहुत माड़े हैं, कि जमींदार की फसल साफ हो गई, सब डूब गई, तो सरकार से कहेंगे जमींदार मैडम जितना भी कारोबार जमींदार पर डिपेंड है, जमींदार साफ हो गया करा, झोना तो रह नहीं बस। झोना मतलब पंजाबी में बोलते हैं धान, है ना, तो धान तो काफी फसल खराब हुई है। हाँ जी, बहुत से खराब फसल तो बहुत सारी देख लो आप सामने, सभी खराब हो गई है। हालात काफी खराब है, जमीनी हकीकत ये है। कुछ बच्चे भी हैं, चलिए वो कैमरा देख के बच्चे तो भाग जा रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, आप बताइए अभी के हालात पे क्या कहेंगे? अभी मैम हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है मैम, अभी चाहिए सरकार को कि मदद और भेजी, ठीक है मैम, जैसे अभी राशन बना हुआ है, कच्चा राशन और भेजिए, लोग फंसे हुए हैं उधर, उनको निकालने के लिए बोट और चाहिए, ठीक है मैम,
कभी देखा है ऐसा? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा, मेरी अभी एज नहीं हुई थी। पहले नहीं देखा, नहीं देखा, सुना था पहले 1988 में पानी आया था, उसके बाद अब आया पानी। आपका घर है या आप मदद करने के? नहीं, मदद करने है। आपका गांव भी आसपास ही है? हाँ जी मैम, 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी खतरा है? नहीं मैम, उधर नहीं है खतरा, अभी वो कैंट में एरिया पड़ता है। अच्छा, उधर नहीं है अभी खतरा था। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ज्यादा खतरा इधर ही है, जो दरिया के पास गांव पड़ते हैं उधर ज्यादा खतरा है, अलर्ट है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो मदद के लिए भी पहुंचे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत, आप आइए आगे चलिए। कुछ लोग कैमरा देख के बात नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं जी, मैं तो मुलाजिम कोई बात नहीं। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, आप यहाँ पे मदद के लिए आए हैं लोगों की? ये बाबा जी है, बाबा अवतार सिंह जी करियाली वाले। अगर आप हिंदी में बोल पाए जी। हिंदी में भी चलो, पंजाबी सानू वधिया लगता बोलना। ठीक है, हाँ जी, महापुरख ने इन्हें सेवादार भी सारे आ जेडे सेवा दे विच हाजिर है, क्योंकि सरकारां ते अग्गे ओह जिहियां जिहड़ियां अग्गे पानी छड्ड के मगर बात नहीं कोई पुछण दियां। चलो महापुरख है, महापुरखां ने सारा अपना जो बाला जिन्ना भी है संगत दे सहयोग दे नाल सारे पासे कर रहे आ। हाँ जी ठीक है, तो ये मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं आगे, ये मेडिकल टीम से हैं। आप लोग पहुँचे हैं मदद के लिए? कब से आप लोग हैं बताइए आप? आज सुबह से आ रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो वहाँ पे जो फ्लड में फंसे हुए हैं लोग, जो आर्मी वाले लेके आ रहे हैं, तो हम उनको जो भी मेडिसिन की फैसिलिटी हम दे रहे हैं, सब जो भी हम मेडिसिन है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या खारिश की है, डायरिया है, तो उनको सब मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। कुछ पेशेंट्स जो आए हैं, किसी की स्थिति ज्यादा खराब तो नहीं है या ठीक है? ठीक है मैम, ज्यादा वैसे खारिश वाले पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, जो पानी खारिश वाले पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। ओके, एलर्जी, एलर्जी वगैरह जो पानी में बहुत टाइम खड़े हुए अंदर, खारिश वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनको सब मेडिसिन। आपकी टीम सुबह आई है? हाँ जी सुबह आई है, सुबह 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ऐसी रहेंगे। तो कितने लोगों को अभी तक आप लोग देख चुके हैं? हम 50 के ऊपर प्लस हो गए हैं। और कब तक रहेंगे आप लोग? हम शाम तक मैम, जब तक पेशेंट आते रहे हम वहाँ पे ड्यूटी पे रहेंगे। आप भी जाते रहते हैं, आपने देखी ऐसी सिचुएशन इतना फ्लड का पानी का? मैम फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतनी जो बारिश के कारण इतना फ्लड आ रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ हमारी जिंदगी में देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, इससे पहले कभी 1988 में पहले फ्लड आया था, तो उसके बाद आप देख रहे हैं 1988 के बाद अभी देख रहे हैं, अभी फ्लड आ गया यहाँ पे। ठीक है ठीक है। कुछ और लोग हैं, आप भी मदद के लिए पहुँचे हैं मेडिकल टीम? हाँ जी, हाँ जी मैम, असी जिवें हुण पानी खड़ रहे हैं, ये मलेरिया और डेंगू इन्हें विच बहुत ज़्यादा होएगा। अच्छा। क्योंकि ये बीमारियां फैलन का कारण ये जो पानी है इन्हें विच बहुत ज़्यादा है। साड़ी ड्यूटी खास तौर पर जिवें बुखार वाले केस हो गए, शक्की बुखार वाले केस, उन्होंने बुखार दी स्लाइडा बना के उन्होंने असी जिहड़ा फिरोजपुर असी उत्थे जमा करवाने हैं, तां कि सानू पता चल जाए बीमारी फैल रही है। छूत दी बीमारियां ये पानी का कारण है, इसलिए साड़ी ड्यूटियां इत्थे लगी हुई ने ममदोट वालों। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मलेरिया के पेशेंट ज्यादा, मलेरिया फैलता है जब ऐसा पानी होता है, क्योंकि इतने दिनों का है, डेंगू काफी ज्यादा होता है, इस वजह से लोगों की मदद के लिए ये लोग पहुंचे हैं। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप बोलोगे मदद के लिए आए हो? चलिए, कैमरा देख करके वो लोग वापस चले जाते हैं, आप बताइए। हाँ जी, आप बताइए। मदद तो नहीं आए हैं, आप डूबे आए? आप अपने आप डूबे थे? हाँ जी, हाँ जी। आपका कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? बहुत नुकसान हो गया जी, सही पर जो भी तूड़ी तड़ी रुड़ गई, सब कुछ आपका खराब? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ। तो आपने पहले देखा कभी इतना पानी? पहले 19 में आया, बस थोड़ा आया, अब ज्यादा आया, 88 वाले पानी से बड़ा है। परिवार के बाकी लोग कहाँ पे हैं? सभी बाहर है, जो बन का एरिया इधर है सभी बाहर है, कोई नहीं इधर आए।